नमस्कार, INI न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अखिलेश को निशाने पर लेते हुए कहा, SP विधायकों के ऊपर लगे आरोपों पर चुप्पी क्यों? तमिलनाडु विधानसभा में भारी हंगामे के बीच CM पलानी सामी ने जीता विश्वास मत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल। छत्तीसगढ़ में फिर नाबालिग छात्रा हुई अपहरण व दुष्कर्म की शिकार। बिहार में पुलिस कर रही खनिज परिवहन से अवैध वसूली। और झारखंड में वन प्रमंडल की ओर से एक दिवसीय लाख प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। रेप के आरोपों में फंसे मंत्रियों को लेकर अखिलेश यादव चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अखिलेश को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे इन आरोपों पर चुप क्यों हैं। गोरखपुर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है, चुनाव शुरू होने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने उनके मंत्री के खिलाफ रेप का FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। दूसरे एक विधायक के खिलाफ रेप और रेप के बाद हत्या का आरोप है, मगर आज तक दोनों चीजों पर कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की ओर आगे बढ़ रहा है, प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आने वाली है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे रुहेलखंड हो, चाहे अवध हो, चाहे गोरखस हो, चाहे काशी हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी एक तगड़ी बढ़त लिए। गठबंधन हमेशा दो दलों के बीच में होते हैं, दो विचारधाराओं के बीच में होते हैं, मगर ये जो गठबंधन है, ये ना दलों का गठबंधन है ना विचारधाराओं का गठबंधन। वैचारिक रूप से देखे तो ये बड़ा अपवित्र प्रकार का गठबंधन है, क्योंकि जिस पार्टी के सिद्धांतों ने पूरा समय कांग्रेस का विरोध किया, लोहिया जी का पूरा जीवन कांग्रेस के विरोध में रहा, वो समाजवादी पार्टी आज कांग्रेस के साथ चुनाव जीतने के लिए गठबंधन करती हुई नजर आती है। हर गांव में 24 घंटा बिजली आप पहुंचा पाए हैं क्या? हर गांव में शुद्ध पीने का पानी पहुंचा पाए हैं क्या? स्वास्थ्य सेवाओं का आज के समय के अनुरूप इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या? किसानों के धान की खरीदी होती है क्या? गन्ना किसानों को समय पर भुगतान होता है क्या? महिलाएं सुरक्षित है क्या? किसान के पशुधन की सुरक्षा अब कत्लखानों के गुंडों से कर सकते हैं क्या? ये सारे मुद्दों के जवाब अखिलेश जी के पास नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने उनके एक मंत्री के खिलाफ बलात्कार का प्राथमिकी दर्ज करने का हुक्म किया है, और दूसरे एक विधायक के खिलाफ रेप और रेप के बाद महिला साक्ष्य न दे पाए इसलिए हत्या का भी आरोप लगा है। मगर आज तक अखिलेश जी ये दोनों चीजों पर जनता के सामने न प्रेस मीडिया के सामने कुछ खुलकर बोल रहे हैं। बुलंदशहर की शर्मनाक घटना आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है, उसको देखकर याद कर लोग आज भी कांप रहे। जमीन कब्जा पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मथुरा का राम वृक्ष का कांड उसका एक ऐसा उदाहरण था जिसने उत्तर प्रदेश को पूरे देश के अंदर शर्मसार किया है। तमिलनाडु विधानसभा में भारी हंगामे के बीच CM पलानी सामी ने विश्वास मत जीता नहीं टेक तमिलनाडु विधानसभा में भारी हंगामे के बीच CM पलानी सामी ने विश्वास मत जीता। 122 विधायकों ने पलानी सामी का समर्थन किया। तमिलनाडु विधानसभा में आज गुप्त मतदान को लेकर भारी हंगामा हुआ है। विधायकों ने स्पीकर P धनपाल से जमकर धक्का मुक्की की। विधायक उनकी कुर्सी पर भी जा बैठे। बाद में मार्शल्स ने स्पीकर को सुरक्षित बाहर निकाला। स्पीकर को DMK विधायकों को बाहर करने के लिए असेंबली कैंपस में पुलिस बुलवानी पड़ी। नए CM ई पलानी सामी ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया। आज विधानसभा में उन्हें बहुमत साबित करना था। सदन के अंदर भारी हंगामे को देखते हुए विधानसभा को 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस चरण में 69 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा क्षेत्र लखनऊ और सपा का गढ़ समझे जाने वाले कन्नौज, मैनपुरी और इटावा के तहत आने वाली विधानसभा सीटें शामिल हैं। फारुखाबाद, हरदोई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी और सीतापुर सहित 12 जिलों के विधानसभा क्षेत्र इस चरण में शामिल है। छत्तीसगढ़ के कमलपुर गांव की नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के मां, पिता, भाई बहनोई सहित 5 लोगों पर जुर्म दर्ज किया है, जिनमें अभी मुख्य आरोपी रामकृष्ण मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। यह पूरा मामला जयनगर थाना इलाके के कमलपुर गांव का है, जहां 10वीं की नाबालिग छात्रा को बलरामपुर जिले के रामानुजगंज इलाके के रामकृष्ण मंडल से इश्क हो गया था। आरोपी रामकृष्ण 26 दिसंबर की रात पीड़िता नाबालिग को अपनी बहन मीना मंडल से मिलाने के लिए बुलाया। नाबालिग जब उसकी बहन से मिलने आई तो आरोपी की बहन और उसके बहनोई ने नाबालिग के पिता की हत्या करने की धमकी देकर उसको जबरन अंबिकापुर ले गए और वहां रामकृष्ण ने उसके साथ अनाचार किया। इसके बाद से आरोपी नाबालिग को लेकर महाराष्ट्र चला गया और लगातार उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा। जनवरी 2017 को आरोपी नाबालिग को लेकर अपने घर रामानुजगंज आया, जहां आरोपी की मां नयनतारा ने भी पीड़िता को लगातार प्रताड़ित किया, यहां तक कि उसको जान से मारने की नियत से उसके कलाई को भी चाकू से काट दिया। नाबालिग की स्थिति बिगड़ते देख आरोपी का पिता उसे अंबिकापुर के बालिका आश्रम में छोड़कर भाग गया। CWC अंबिकापुर ने इसकी जानकारी नाबालिग के परिजनों को दी और छात्रा को उसके परिजनों को सौंप दिया। 15 फरवरी 2017 को नाबालिग के परिजनों ने इसकी शिकायत जयनगर थाने को दी। पुलिस ने रामकृष्ण मंडल, उसके पिता राजेश मंडल, मां नयनतारा, बहन मीना और बहनोई सिपत मंडल पर IPC की धारा 363, 366, 171, 342, 506 और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दी, जिसमें मुख्य आरोपी रामकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य 4 आरोपी भागने में सफल रहे। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वहीं नाबालिग का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसमें दुष्कर्म और मारपीट की पुष्टि हुई है। साथ ही पीड़िता के निजी अंगों में भी गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। आए नाबालिग पीड़िता की रिपोर्ट पे, लिखित रिपोर्ट पे आरोपी रामकृष्ण मंडल, शिवपद मंडल, श्रीमती मीना मंडल, ये ग्राम रामानुजगंज के हैं, जिला बलरामपुर के, और उसकी श्रीमती नयन तारा, राजेश राय उर्फ राजा राय, इसके विरुद्ध लिखित रिपोर्ट आने पे दिनांक 15/2/2017 को पीड़िता के रिपोर्ट पे आरोपी गणों के विरुद्ध 363, 366, 376, 342, 506, 120 विभादी भी एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 212 की धारा 4 के तहत अपराध कायम किया गया। INI के साथ सूरजपुर से विशाल तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिला के चेनारी थाना क्षेत्र का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रोहतास पुलिस का एक और चेहरा सामने आया। हुआ यूं कि पिछले महीने रोहतास जिले के चेनारी थाना के SPO और वहां के थाना अध्यक्ष के सह पर प्रमुख पति ने लेन देन का एक ऑडियो वायरल हुआ तो पूरे पुलिस महकमे में भूचाल सा आ गया था। इन दिनों काराकाट थाना के थाना प्रभारी के सह पर उनके अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारी जमकर सड़क से लेकर गांव तक वसूली में जी जान लगाए हुए हैं। जितनी मेहनत काराकाट पुलिस अवैध वसूली में लगा रही है, उतनी मेहनत अपराधियों और शराब कारोबारियों के पीछे लगाती तो शायद ना ही अपराध बढ़ता और ना ही शराब की बिक्री में इजाफा होता। काहे लिए पैसा नहीं, पैसा पैसा काहे लिया, गलती हो गया, माफ कर दिया भाई, नहीं क्यों लिए, नाम बताइए, अपना नाम बताइए, जल्दी नाम बताइए, बात हमारी सुनिए, अरे नाम बताइए ना, अरे कभी हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, क्यों लिए, आपका सिपाही अभी लिया है, कोई नहीं लगा आपका, अभी आपका सिपाही लिया है, क्यों लिया, कोई नहीं लगा, थाना का नाम बताइए जल्दी, थाना का, अरे पहले मेरी बात, कौन
झारखंड में लातेहार जिला के चंदवा वन क्षेत्र परिसर में लाख प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 70 कृषकों को प्रशिक्षित करने समेत स्वावलंबी बनाने के गुर सिखाए गए। कार्यक्रम में बतौर प्रशिक्षक चियांकी कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी मौजूद रहे। ग्रामीण कृषकों को कम लागत में बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए जिला वन प्रमंडल द्वारा समय दर समय ग्रामीण कृषकों को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा वन क्षेत्र परिसर में लाख की खेती कर बेहतर उपज के लिए लातेहार वन प्रमंडल की ओर से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वन क्षेत्र के 70 कृषक मित्रों ने लाख खेती के बाबत जानकारी हासिल की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर प्रशिक्षित यांकी कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी ने कृषकों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराते हुए कम खर्च पर उत्तम पैदावार अर्जित करने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। INI के साथ झारखंड से मनोज कुमार मेहता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर पुलिस ने केबल वायर चोरी के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना फरार है। पुलिस ने आरोपियों से 1025 मीटर केबल वायर, एक छोटा हाथी और एक मोटरसाइकिल जब्त किया है। जब्त वायर की कीमत 1,56,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। चंद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पिंडरवा स्थित विद्युत वितरण कंपनी में तार विस्तार का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने पिंडरवा के 24 खंभों में लगे 1025 मीटर केबल वायर पार कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर बिजली विभाग के JE ने थाना पहुंचकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों की पतासाजी शुरू की। विवेचना के दौरान चंद्रपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग केबल वायर बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने ग्राम पेडरवा के कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने पिंडरवा से बिजली तार चोरी करने व उसके पिंडरवा भाटा के पास जमीन के नीचे दबाने की बात कबूल की। चोरी का मुख्य आरोपी पुसौर थाना जिला रायगढ़ निवासी रूपलाल फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मुखबिर की सूचना पर और कुछ संदिग्धों के मुखबिर ने नाम बताया था। जब उनसे कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। इस पूरे गिरोह का सरगना रायगढ़ के थाना पुसौर क्षेत्र का निवासी दिलीप कसर 21 वर्षीय युवक है। उसके द्वारा यह संपूर्ण अपराध कारित किया गया था और इसमें ग्राम पिंडरवा के अन्य 8 व्यक्तियों की संलिप्तता थी। कुल 9 लोगों के द्वारा यह अपराध किया गया। इसमें एक छोटा हाथी वाहन का ड्राइवर भी सम्मिलित है। आरोपियों के कब्जे से उक्त संपूर्ण माल को बरामद कर लिया गया है और एक आरोपी रूपलाल फरार है। बाकी से सभी आरोपी और वाहन तथा 1025 मीटर GI का तार, जो कि लगभग 1,56,000 रुपये कीमती है, और आरोपियों के द्वारा साथ ही चोरी किया गया टुल्लू पंप और 2 मोटरसाइकिल वाहन भी बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों को जेल दाखिल किया गया और एक जो फरार आरोपी उसके लिए पृथक से खोजबीन जारी। छत्तीसगढ़ियों के विश्वास और पवित्रता का दूसरा नाम है राजिम कुंभ। इसकी शुरुआत सन 2006 में की गई थी, जो इस वर्ष 10 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगी। राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर दूर सोढ़ूर पैरी और महानदी के त्रिवेणी संगम तट पर बसे इस छत्तीसगढ़ की नगरी को श्रद्धालु श्राद्ध तर्पण पर्व स्नान दान आदि धार्मिक कार्यों के लिए उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि अयोध्या और बनारस को। मंदिरों की महानगरी राजिम की मान्यता है कि जगन्नाथपुरी यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक यात्री राजिम की यात्रा ना कर लेंगे। देश में होने वाले 4 कुंभों के अलावा राजिम कुंभ की ख्याति देश दुनिया में फैली हुई है। यह मध्य भारत का प्रयाग बन चुका है। उत्तर प्रदेश के आगरा में चेकिंग गश्ती और कार्रवाई को किनारे कर आगरा पुलिस अवैध उगाही में मशगूल है। रात 3 बजे से शुरू होता है आगरा की थाना एत्माधौला पुलिस की उगाही का खेल। खाकी वर्दी धारियों के साथ प्राइवेट गुर्गों के जरिए पुलिस करती है उगाही। वाहनों से खाकी वर्दी धारियों के उगाही का वीडियो वायरल हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल शनिवार को रतनपुर प्रवास पर रहे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल मंदिर पहुंचे, जहां मां महामाया की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। यहां से नवनिर्मित सिद्धि विनायक परिसर पहुंचे, जहां मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर कलेक्टर अम्बलगन PB भी मौजूद रहे।
सीवी रमन यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय शिविर रतनपुर में आयोजित किया गया है। इसके तहत स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाया। शनिवार की सुबह से शहर में स्वच्छता रैली निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां की सफाई की गई। इसके साथ ही रैली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लोगों को जागरूक किया। रतनपुर चूंकि एक ऐतिहासिक नगरी है, धर्म नगरी है, यहाँ पे काम करने के बहुत से अवसर हमारे पास है। हम लोग इसमें स्पेशली स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और गली मोहल्ले में घूम के हम जन जागरण अभियान चलाएंगे, बेटी बचाओ अभियान, बेटी पढ़ाओ अभियान और स्वच्छता अभियान, पर्यावरण सुरक्षा के लिए। और इस तरह से जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको हम लोग लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि लोग जाग जाए और स्वयं अच्छा रहेंगे तो अपने आसपास के क्षेत्र को भी अच्छा रखेंगे और इस तरह से पूरा भारत जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है वो मिशन सफल होगा। यूं तो विश्व की धरोहर ताजमहल अपने आप में एक ऐतिहासिक मुकाम रखता है, लेकिन इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान फूलों की तमाम किस्में आने वालों को लुभाएगी। बड़े सुंदर और अच्छी एंट्रीज हैं और काफ़ी दूर दूर से लोगों ने इसमें भाग लिया है। झांसी वगैरह से मुझे बताया गया है कि एंट्रीज इसमें आई हैं और नेशनली बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत लंबे इतिहास भी है। प्रदर्शनी का मैसेज बड़ा क्लियर है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो उसकी एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी अगर लोग काम करते हैं तो एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो कि काफ़ी सब्सटेंशियल है वो जनरेट होता है और उनकी जो आर्थिक स्तर है उसमें भी सुधार होगा। फूलों की विभिन्न प्रजातियों के साथ साथ उनका प्रयोग जो है आप विभिन्न अवसरों पर किस प्रकार करें वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। मंडप को किस तरह से सजाया जाए, दुल्हन निकल के आ रही है तो उसके द्वार को किस तरह से सजाया जा रहा है, या इसी प्रकार के और विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो एक अपने आप में एक अट्रैक्शन है, यहाँ का आकर्षण है। आज के समय में हम एक तरफा दोहन करने में लगे हुए हैं प्रकृति का, तो पूरी तरह से उसके प्रति उदासीन हो गए हैं। तो ये आयोजन कम से कम हमें सचेत करता है कि जो प्रकृति ने जो अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं हम लोगों को, हम उनको सजोएं और उनको आसपास और डेवलप करें। शेखपुरा पहुंचे लोक जन पार्टी सांसद चिराग पासवान का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सांसद चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं या सांसद मत से ली गई योजनाओं को जानबूझकर लागू नहीं किया जा रहा है। सांसद ने राज्य सरकार पर भेदभाव रवैया अपनाए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। सांसद ने कहा कि कई केंद्र की योजनाओं को राज्य सरकार की शिथिलता की वजह से रुक गई है। सांसद ने राज्य सरकार पर अतिक्रमण के नाम पर महादलितों को परेशान करने का भी आरोप लगाया है। इसका जो जन्म ही हुआ है महागठबंधन का, वही बहुत विपरीत परिस्थितियों में हुआ है, तो इसकी स्थिति का कभी सहज होना संभव ही नहीं है। दो दुर्विरोधी एक मजबूत देश निर्माण के लिए जो आगे आई हुई ताकत को उसको रोकने के लिए दो धुर विरोधी जब आपस में मिलते हैं तो वो कभी भी एक सहज परिस्थिति हो नहीं सकती। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी ने जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी थी उसी वक्त उन्होंने कहा था कि 2-2.5 साल से ज़्यादा इस सरकार का चलना बहुत मुश्किल है, और जैसा मैंने कहा कि ये लंबे समय तक चलने वाला गठबंधन नहीं। सुनियोजित तरीके से कोशिश की जा रही है कि केंद्र को किसी तरीके से बदनाम किया जाए, तमाम केंद्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको बदनाम किया जाए, उनकी एक ऐसी छवि दिखाई जाए भैया ये लोग कोई समाज के लिए काम नहीं कर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोतवाली पुलिस पर सवालिया निशान। बीती रात युवक को मारी दबंगों ने गोली। परिजनों ने लगाया क्षेत्रीय पुलिस पर लापरवाही का आरोप। फिलहाल घायल की हालत बिगड़ते देख परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। उन्होंने हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, कोतवाली पुलिस ने हमारे खिलाफ FIR दर्ज की थी उनके कहने पे, जो कि झूठी थी। उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि गाड़ी में आग लगाई और गाड़ी में खुद आग लगाकर हमारे खिलाफ सुमित को और सुमित दीक्षित, अमित दीक्षित, देवमणि दीक्षित और अनमोल दीक्षित को गलत तरीके से फंसाया था, जिसमें सुमित और अनमोल 1 महीने जेल भी होके आए थे। जब से ये जेल से होकर आए हैं तब से लगातार ये बराबर धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें ये जिंदा रहने दूंगा, और ये अब से करीब 4 से 5 दिन पहले से ये लोग प्लानिंग बना रहे हैं और इन्होंने घेरा भी, और कल लगभग 7:20 पे इन्होंने जो है वहाँ पे 4-5 लोगों ने घेर के इसको गोली मार दी। INI न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।